मैगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 पके हुए आम और इसको इस तरह से हमें चाकू की सहायता से कट करना है और इनके अंदर जो भी गूदा होगा ना उसको हमें निकाल देना है। तो इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको मैगो को छील सकते हैं और इसके बाद भी टुकड़े काट सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको निकाल रही हूँ। और अब मैंने लिया है यहाँ एक मिक्सी का जार और उसमें मैं डालने वाली हूँ जो हमने मैंगो काट के रखे हैं ना उसको डाल देंगे हम। साथ ही मैं अब डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 हरी इलायची जिनको मैंने इस तरह से ना इसके दाने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 गिलास भरकर दूध। तो दूध डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मिल्क शेक बिल्कुल जैसे बाज़ार में पीते हैं ना हम, बिल्कुल वैसा तैयार हो मार्केट वाला, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है। तो आप आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी लीजिए, या फिर मार्केट में आपको मिल जाएगा मैंगो एसेंस, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरह से बना रही हूँ घर के सामानों से। मैंगो का सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत सारे मैंगो भरे पड़े हैं और दूध हमारे घर में होता ही है, चीनी भी हमारे घर में होती है, बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। प्योर दूध में इसे बनाने से इसका कलर थोड़ा सा वाइट आ जाता है, लेकिन पीने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए एक बार मिक्सी को चला लेंगे। और ये देखिए मैंने मैंगो को अच्छे से पीस लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटा छोटा इसे कट भी कर सकते हो। और हम इसको कर देंगे मिक्स। तो इसको अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हल्के से हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं ग्लास में। तो यहाँ एक कांच का ग्लास मैंने रखा है और अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा आइस, जिससे ये पीने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, एकदम ठंडा ठंडा हमारा मिल्क शेक बनके तैयार हो। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैंगो, जिसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में ना काट लिया है मैंने। और अब मैं डालूँगी हमारा तैयार किया हुआ मिल्क शेक। और ये लीजिए हमारा एक ग्लास पूरा भर गया है। और चलिए ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देते हैं काजू और बादाम जो हमने घिस करके रखा था वो, और साथ में मैं यहाँ पे थोड़े से मैंगो के पीस डाल दूँगी इस पर कट करके, और थोड़े से डाल देंगे हम आइस क्यूब। और ये लीजिए हमारा एकदम घर का बना हुआ मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है। तो ना ही इसमें हमने मैंगो एसेंस का यूज़ किया है और ना ही कोई भी केमिकल डाला है, बिल्कुल घर के रखे हुए सामान से आप फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।